वेलकम टू अवर चैनल इजी लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम आपको मल्टीप्लिकेशन की एक बहुत ही इजी ट्रिक सिखाने जा रहे हैं और इसमें हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करके करेंगे उन नंबर्स को जो कि ग्रेटर देन 100 है। तो हम करके देखते हैं 102 को 103 से मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हमने करना ये है कि हम देखेंगे कि ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। तो 102 जो है वो 100 से 2 ज़्यादा है और 103 3 ज़्यादा है। तो हमने इन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 2 3 6, 6 को हम 0 के साथ लिखेंगे। अब हम इन नंबर्स को क्रॉस में प्लस कर देंगे, या तो आप 102 को 3 से प्लस कर दें या 103 को 2 से कर दें, 105 आंसर। दोनों तरह से यही आंसर आएगा। तो ये आपका इजी आंसर आ गया। लेट्स चेक अनदर वन। 104 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे। 104 4 ज़्यादा है और 108 100 से 8 ज़्यादा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 32। अब आपने क्रॉस में प्लस कर देना है। 104 को 8 से प्लस कर दिया, 112 आ गया। ये बहुत ही इजी ट्रिक है। 109 को 115 से मल्टीप्लाई करें। 109 100 से 9 नंबर ज़्यादा है, तो 9 लिख दिया और 115 15 ज़्यादा है। अब हम 9 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये 3 डिजिट्स में हमारे पास आंसर आ रहा है, 135। तो आपने 35 यहाँ लिखना है, 1 आपने ऊपर कैरी लगा देना है। अब आपने वही क्रॉस में प्लस कर देना है। 109 में 15 प्लस किया, लेकिन अब आप इसमें 1 भी प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 125। और यही हमारा आंसर है और ये बहुत ही ईजी है। 112 को 110 से करके देखें, तो 112 ज़्यादा है 100 से और 110 10 ज़्यादा है। 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 120, तो हमारे पास आंसर आया है 3 डिजिट्स में। तो हमने 20 नीचे लिखना है, 1 ऊपर कैरी लगा देंगे, उसके बाद हम क्रॉस में प्लस कर देंगे। 112 में 10 प्लस किया और 1 भी प्लस कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया 123 और 20। ये हमारा आंसर है। ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, सिर्फ 2 स्टेप्स में आप इसको प्लस कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम उन नंबर्स को देखते हैं जो कि 100 से कम है। ये भी बहुत ही इजी है और ये भी 2 स्टेप्स में हमारा सॉल्व हो जाता है। तो 98 को हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं 97 से। वही हमने सिंपल करना है। क्या करना है, हमें देखना है कि अब ये 100 से कितना कम है। पहले हम देख रहे थे 100 से कितना ज़्यादा है, अब हम देखेंगे 100 से कितना कम है। तो 98 2 कम है और 97 3 कम है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6, बस 6 को हम 0 के साथ लिखेंगे। अब हम 98 व क्रॉस में हमने इसको माइनस करना है। 98 में से हम 3 को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास 95 आ गया। आप चाहे 97 को 2 से में से 2 माइनस कर दें या 98 में से 3 माइनस कर दें, आंसर आपका यही आएगा। अगेन चेक करते हैं 91 मल्टीप्लाई बाय 99। पहले हम चेक करेंगे 91 100 से कितना कम है, 9 कम है, और 99 1 नंबर कम है। इनको हमने आप मल्टीप्लाई कर दिया, 9 1 9, इसको हम 0 के साथ लिखेंगे और फिर हम क्रॉस में माइनस कर देंगे। 91 माइनस 1 90 आ गया। ये बहुत ही इजी है, आप इसको करके देखें एक बार। 85 को मल्टीप्लाई बाय 96 कर रहे हैं हम। 85 15 कम है 100 से और 96 4 कम है, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 60 हमारा आंसर आ गया। अब आपने क्रॉस में माइनस कर देना है, 85 में से 4 माइनस करेंगे 81। देखा आपने कितना सिंपल है और कितना इजी है। तो अब हम करके देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर। आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो अभी हम करके देख रहे हैं 21 को 97 से। तो ये आप देखिए, ये भी बहुत ही इजी है और बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने 7 1 7, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद आपने इन चारों नंबर को क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है और आपस में प्लस कर देना है। 9 1 9, 2 7 14, 14 और 9 हमारे पास आया 23। तो ये आपने 3 नीचे लिखा और 2 ऊपर कैरी लगा दिया। 2 9 18, 18 में आपने ये 2 प्लस कर दिया, 20। बहुत ही इजी है, आप खुद करके देखिए इसको। 32 मल्टीप्लाई बाय 85, 2 5 10, तो ये 10 लिख दिया हमने। अब हम इसको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 8 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 को हम 16 से प्लस करेंगे, 31। तो 31 का आपने, ये जो ऊपर हमारा 1 कैरी आया था 10 का, इसमें हमने 1 प्लस किया तो 32 हो गया। उसके बाद 8 3 24 और आपने 3 प्लस कर दिया, 27। लेट्स चेक अनदर वन। 26 मल्टीप्लाई बाय 70, 6 0 0। पहले आपने इसको मल्टीप्लाई पर करके रख दिया, फिर आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है इन चारों नंबर्स को। 6 7 42 और 2 0 0, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 42। तो 2 हम नीचे लिखेंगे, 4 ऊपर कैरी लगाएंगे और 2 7 14 और 4 प्लस कर दिया तो 18। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इजी